शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल रूप से जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 17 सितंबर को आयोजित हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के संबंध में विस्तृत चर्चा की और जिले के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जिले को 100% वैक्सीनेटेड करवाने की अपनी भूमिका निभाए। इसके अलावा बैठक में डेंगू मलेरिया के संबंध में विस्तृत चर्चा कर रोकथाम हेतु समुचित उपाय करने की अपील भी की है। इस पर भी चली बैठक के दौरान जिला आपदा प्रबंधन बैठक कलेक्टर, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेष राव यादव, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रबान सिंह, चौरई विधायक, अन्य अधिकारीगण और सदस्य इस समय उपस्थित थे। आज हम लोगों ने जो परिदृश्य महामारी के रूप में डेंगू पैर पसारते जा रहा है छिंदवाड़ा में, रोज 2 से 4 केस मिल रहे हैं, वही सीएमएचओ ऑफिस में कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जो विभिन्न प्राइवेट पैथोलॉजी लैब है जहां 150 से 250 रुपए की जांच किट होती है डेंगू मलेरिया की, उसके 800 रुपए और 1000 रुपए लिया जा रहा है। हमारी माननीय कलेक्टर महोदय से यही मांग है कि या तो ये डेंगू मलेरिया की जो जांच किट है यह निःशुल्क की जाए सभी नागरिकों के लिए, या फिर जो सीएमएचओ या हमारे आदरणीय जितने भी अधिकारी महोदय हैं वो जाकर जांच करें। कहीं पर भी रेट लिस्ट चस्पा नहीं है कि डेंगू की जांच कितने में की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मालवी।